गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग पहले की तरह ठीक ठाक हो अच्छे से। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, उसे किसी के बारे में कुछ कहा जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जोड़ता है, ठीक है, उसे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न का बोध कराता हो, जैसे कौन, कोई, कौन, क्या, किसे, ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, निज मतलब खुद के लिए। वे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, खुद आदि। समझ में आया? तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, किसी के बारे में कुछ कहा जाए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें एक सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध जोड़ता है, ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें खुद के लिए, वे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। मैंने ये लाइव क्लास में आपका एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को अच्छे से आप लोग कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख लेना और बार बार इसको रीड करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। थैंक यू।